उपचुनाव में एक बार फिर भाजपा ने बुंदेलखंड में बाजी मारी। यहां की दोनों सुर्खी और बड़ा मल्हारा सीट से भाजपा को जीत मिली है, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। बुंदेलखंड में एक बार फिर बीजेपी ने बाजी मारी। सुर्खी और बड़ा मल्हारा सीट पर बीजेपी ने बड़े मार्जिन से चुनाव कांग्रेस से जीत लिया। बड़ा मल्हारा उपचुनाव की जैसी ही मतगणना शुरू हुई, वैसे ही बीजेपी के प्रद्युम्न सिंह लोधी ने पहले ही राउंड में बढ़त बनाना शुरू कर दी थी और लगातार 23 राउंड तक बीजेपी कांग्रेस की रामसिया भारती से बढ़त बनाती रही और एक बार फिर प्रद्युम्न सिंह लोधी ने 17,399 वोटों से चुनाव जीत लिया। बीजेपी प्रत्याशी ने जीत का क्रेडिट बीजेपी के कार्यकर्ताओं, बड़ा मल्हारा की जनता और उमा भारती को दिया। गौरतलब है कि बीजेपी प्रत्याशी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उमा भारती ने अंतरिम समय पर दायित्व को संभाला था। आदरणीय दीदी ने भी कहा, आदरणीय शिवराज जी ने भी कहा, दीदी निश्चित रूप से दीदी ने कहा कि मेरे जो छूटे हुए विकास के काम हैं वो मुन्ना, मुझे वो प्रेम से मुन्ना बोलती हैं, उन्होंने कहा ये पूरे काम मुन्ना करेगा। और निश्चित रूप से उन्होंने जितनी भी जवाबदारी दी है, जितने भी माननीय दीदी के अधूरे काम थे वो आदरणीय शिवराज जी ने भी कहा है पूरे करेंगे, और मैं भी पूरी तन्मयता के साथ लग के कंधे से कंधा मिलाकर पूरी ताकत के साथ उनके कामों को पूरा करूं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।